महिला होमगार्ड के जवान बेटे की पुलिस हिरासत में मौत रहस्यमय हालत में ठहराने की कोशिश हो रही है। सदर विधायक सरिता भदौरिया और थाना अध्यक्ष अमित कुमार में तीखी नोकझोंक हुई। हमारे संवाददाता उदय भान सिंह की ये रिपोर्ट। नहीं यार, मैं तो 302 के मुंजिम का रिमांड ले रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग खराब है, ऐसे होकर झूठ बोल रहे हो तुम। मैडम मैं यहाँ दिमाग खराब है तेरे, तरीके से बात मत इस तरीके से ही बात करोगे। तुम्हारे सर से ऊपर हो गया, उस गाड़ी में मौजूद थे, तुम्हारा बॉस मौजूद था और तुमने मारते मारते मार डाला। सरकार की बेइज्जती करा रहे हो। यहाँ देखती हूँ, रिकॉर्डिंग सुना वो इनको हरी गाड़ी में बिठाला, तुम्हारे सिपाहियों ने बिठाला, गाँव कह रहा, पूरा क्षेत्र कह रहा, उसकी मार हो रही, तुम कह रहे अरेस्टिंग नहीं हुई। केवल उसको हॉस्पिटल दे के मेरी गाड़ी का है पुलिस का काम करने का। इसमें मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। ये FIR दर्ज करो, मजिस्ट्रेट जांच होगी। अगर अगले जो लोग निर्दोष होंगे खत्म हो जाएंगे, उसमें क्या पुलिस का जो तरीका आप FIR लिखिए। क्या मौका देते उनको? मैं मौके पे मौजूद हूं। हां बहन जी बता, ठीक है। आपको केवल मारना था इसलिए आपको ले लिया उसको। इनकी 20 दिन से फरार है लड़की, जहां पे चक्कर लगा रही है। मैं जाऊंगा बता। ये लड़की झूठ बोल रही है। तुम्हें कहीं डूब के मर जाओ, जाके चुल्लू भर पानी होता है ना वहाँ पर, हो जाके जवान भाई हाथों से खिलाया अपने हाथ से तुम लोगों ने मार दिया हमारे भाई को। अरे 700 किलोमीटर बाहर से हमारे, अरे मारना तो हम पे हाथ भंजवा के दिखाओ ना, अरे हमें आज हमारे शहर विधायक इटावा श्री सत्य सावित्री सरिता भदौरिया जी थाने पर लगभग 30 लोगों के साथ थाने पर आई। आने के बाद में उनके द्वारा बताया गया कि FIR लिखिए, आपके द्वारा फलाना व्यक्ति को मारा गया है। इसमें मेरे द्वारा पूरा स्पष्टीकरण दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, पंचायतनामा भर के PM हो चुका है और इसमें मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश हो चुके हैं, जांच चल रही है। उसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परंतु उप विधायकगण द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई, जिसमें आप सब मीडिया वाले लोग भी मौजूद थे, मेरे साथ अभद्रता की गई तथा मेरे से ऊंची आवाज में गंदी गंदी गालियों के साथ में विधायक द्वारा अभद्र प्रदर्शन किया गया। उसके उपरांत फिर विधायक यहाँ से गई, जाने के बाद में फिर अंदर वापस आई और दरवाजा मेरा ऑफिस का अकेली ने बंद कर लिया और मुझसे कहा कि जनता को दिखाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। पूर्व में भी ये विधायक लगातार अनगल दबाव मेरे ऊपर बनाती आई है कि इसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो। मेरे द्वारा कभी ऐसा कार्य नहीं किया गया, जिस वजह से इनके द्वारा आज थाने पर आकर कृत्य कारित किया गया। मेरे ऊपर बिल्कुल इन विधायक द्वारा लगातार जब से मैं आप उसको अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है।